चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी बिजनेस स्टडीज की एक और केस स्टडी के साथ। पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एज ऑलवेज। इन द अबव पैराग्राफ टू टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट हैव बीन मेंशन्ड, आइडेंटिफाइड देम। हमें पता है कि कैपिटल मार्केट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यूज मार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी फर्स्ट टाइम लोगों से पैसा उठाती है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स सिर्फ सिक्योरिटीज़ को बाय कर सकते हैं, और अगर उन्हें ट्रेडिंग करनी है यानी बाइंग एंड सेलिंग करनी है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, तो वो आपकी सेकेंडरी मार्केट होती है। तो उसमें से दो मार्केट्स जो कि हमें पता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है जो ऊपर के स्टडी में मेंशन है। ऑफ द आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ईच बाय वे ऑफ कोटेशन। यानी हमें लाइन कोट करके बताना है कि ये जो हमने कैपिटल मार्केट आइडेंटिफाई की है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं। चलिए पढ़ते हैं केस स्टडी। श्रेया इज अ स्टूडेंट ऑफ 10+2 कॉमर्स। हर टू फ्रेंड्स सुगंधा एंड साक्षी आर 10+2 नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। श्रेया हैज फुल नॉलेज ऑफ कैपिटल मार्केट। बोथ हर फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड इन इट बट दे डू नॉट हैव इवन एन आयोटा ऑफ नॉलेज अबाउट इट। श्रेया गिव्स देम द नॉलेज अबाउट कैपिटल मार्केट इन द फॉलोइंग मैनर। In order to meet its financial requirements, company issues shares. Shares are issued in capital market. The company issues a prospectus and invites the general public to invest in shares. It is called initial public offer. तो बता रही है कि जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो शेयर्स इशू करती है कैपिटल मार्केट में, और उसके लिए कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है और जनरल पब्लिक को अपील करती है कि वो सब्सक्राइब करें कंपनीज के शेयर्स के लिए, और उसे हम आईपीओ बोलते हैं। तो ये आपका आईपीओ मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन का भी एक पार्ट है जो कि प्राइमरी मार्केट में होता है जहाँ पे कंपनी शेयर्स इशू करती है। तो इस लाइन से हमें पता लग रहा है कि ये हो गई है हमारी प्राइमरी मार्केट। आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट द केस दैट बाय इन्वेस्टिंग वंस द इन्वेस्टर्स आर इंट्रैप्ड। If they so desire, they can sell their shares at the current market price to other investors and thus can withdraw their own capital. तो अगर आपने एक बार शेयर्स खरीद लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब उन्हें बेच नहीं सकते। अगर आप चाहें तो उन्हें मार्केट प्राइस पे बेच सकते हैं और अपनी कैपिटल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फीचर है सेकेंडरी मार्केट का कि आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हैं, और ये वाली मार्केट हमें लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज दैट मार्केट इन विच द कंपनी इश्यूज शेयर्स हैज नो पर्टिकुलर प्लेस। करेक्ट, प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। हाउएवर द मार्केट वेयर इन द शेयर होल्डर सेल्स शेयर्स डज हैव अ पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। तो ये हमारा फीचर है सेकेंडरी मार्केट का। चलिए अब हम आंसर फ्रेम करते हैं। तो टू लाइन से हमें पता लग गया इस लाइन से कि फिक्स्ड प्लेस है और हम सेल कर सकते हैं शेयर्स, ये हो गई हमारी सेकेंडरी मार्केट, और कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है और कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस, ये हो गई हमारी प्राइमरी मार्केट। चलिए अब लिखते हैं सॉल्यूशन। The two types of capital market are number one, primary market, जिसे हम new issues market भी कहते हैं, new issues market, और सेकेंड हो गया हमारा सेकेंडरी मार्केट जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें लाइंस कोट करके उन दो मार्केट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं। नाउ एज सच आपकी बुक में एनसीईआरटी में कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से नहीं गिवन है, बट वो आप इस कंपैरिजन से ही खुद ड्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है देयर इज नो फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन एंड दिस इज लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्लेसेस। तो अब हम लाइंस कोट करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे।
characteristics of primary market. तो हम ये वाली लाइन कोट करेंगे. The company issues a prospectus and invites general public to invest in shares. It is called initial public offer. Company issues prospectus called initial public offer. इससे हमें पता लग रहा है दैट दिस मार्केट इट इज रिलेटेड टू न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज. नेक्स्ट फीचर. अब हम ये लाइन कोट करेंगे कि इस मार्केट का कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है. Market in which the company issues shares has no particular place. Market in which the company issues shares has no particular place. इससे हमें ये feature पता लग रहा है that obviously, this market has no particular place, has no fixed geographical location. Then we have characteristics of secondary market. Characteristics of secondary market. इसमें हम लाइन कोट करेंगे. इफ दे सो डिजायर दे कैन सेल देयर शेयर्स एट द करंट मार्केट प्राइस टू द अदर इन्वेस्टर्स एंड दस कैन विदड्रॉ देयर कैपिटल. और इससे हमें पता लग रहा है दैट दिस मार्केट क्रिएट्स लिक्विडिटी. इफ दे सो डिजायर दे कैन विदड्रॉ देयर कैपिटल. So, it creates liquidity. Next, we have, however, the market wherein the shareholder sells shares does not have a particular place called stock exchange. इससे हमें पता लग रहा है कि ये secondary market है. However, the market wherein is called stock exchange. और ये हो गया हमारा feature. It is located at specified places. I hope आपको अच्छे से case study समझ में आई. I'll come up with more case studies. Thank you so much.